कानपुर में अग्निपथ को लेकर हिंसा का प्लान बनाने के आरोप में 5 को गिरफ्तार किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर उपद्रव करने की प्लानिंग कर रहे थे ये। पुलिस ने ये अपनी बात कही है कि चौकी जलाने के लिए ये सभी अपने अपने घरों से निकले थे। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चकेरी थाना के हरजिंदर नगर चौराहा के पास से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप की मॉनिटरिंग कर रही है पुलिस। विभाग की सोशल मीडिया सेल ने इन सभी को धर दबोचा है। भूपेंद्र यादव, आयुष, हर्ष यादव, अमित यादव और राजीव यादव, इन सभी पर धारा 505 एक बी, 506 120 बी के तहत कार्यवाही की गई है। हमारे साथ प्रीति जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी प्रीति। 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है कानपुर में सुनियोजित हिंसा, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में जो हिंसा हो रही है और जैसे प्रशासन सख्त है, इसके पहले भी कार्यवाही होती रही है खास करके सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पे, उसके बाद कानपुर में 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि ये बड़े हिंसा की प्लानिंग कर रहे, थाना तक जलाने की प्लानिंग थी इनकी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा था, उसमें इस तरीके के जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो लोग हैं वो हिंसा भड़काने के लिए एक उन्होंने ग्रुप बनाया था बाकायदा, और उस पर प्लानिंग चल रही थी। अच्छी बात ये रही कि इस प्लानिंग को सफल होने से पहले ही पुलिस ने इन सभी लोगों को, जो ये जो 5 लोग थे, इनको गिरफ्तार कर लिया है। इनकी जाँच की जा रही है और इनका बैकग्राउंड भी जो है वो खंगाला जा रहा है। साथ ही ये जो ग्रुप था, इस ग्रुप की भी जाँच की जा रही है कि इसका एडमिन कौन था, किस तरीके से इसको संचालन किया जा रहा था और किस तरीके से इसमें प्लानिंग की जा रही थी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले कल भी सहारनपुर से भी अग्निपथ योजना के विरोध में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, उसमें भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिनका संबंध जो है वो राजनीतिक पार्टियों से बताया जा रहा था। उसमें भी कुछ राजनीतिक पार्टियों से संबंध था इन लोगों का, और उसमें भी ये कहा जा रहा था कि कुछ राजनीतिक पार्टियों के कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं और युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे हालात प्रीति हमने देखे पूरे उत्तर प्रदेश में, हिंसा भी हमने देखी, सरकार की तरफ से भी समझाइश की कोशिश लगातार की जा रही है, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद।